अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटा मूली का अचार, जो बहुत ही कम तेल और मसालों से बनता है, लेकिन खाने में लाजवाब, जो आपके हॉस्टल के बेमज़ा खानों को बिल्कुल लज्जतदार बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने मूली ली है, हम इसको अच्छी तरह से छील करके साफ़ कर लेंगे। अगर आपको छीलना नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें रेशे लगे हुए होते हैं थ्रेड की तरह से, उसे आप कट करके निकाल दें। इसके बाद हम सारी मूली को अच्छी तरह से धुल लेंगे। इसके पत्तों को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा है और हम आज लंच के लिए मूली की सब्ज़ी बनाएंगे। इसे धुलने के बाद हमने बीच में से कट कर लिया है ताकि ग्रेट करने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने फूड प्रोसेसर में सारी मूली को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें मिला देंगे हल्दी और नमक, और किसी चौड़े बर्तन के प्लेट या आपके पास जो भी थाली हो उसमें अच्छी तरह से फैला दें। यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा मूली थी, तो मैंने क्या किया, एक बड़ी सी कॉटन की चादर भी फैला दी है, और हल्दी और नमक मिली हुई मूली को हम इस पर भी फैला देंगे और ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर अच्छी तरह से धूप लगे इसे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ले ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। इसमें हम नमक और नींबू मिला देंगे, और अगर नींबू नहीं छोड़ते तो उसके बीज वगैरह चले गए हों तो हम उसे निकाल देंगे। नींबू मिलाने से क्या होता है, हमारा अचार जो है ख़राब नहीं होगा और बहुत ही चटपटा बनेगा। सारे बीज अच्छी तरह से निकाल के इसे भी हमने धूप में रख दिया है। एक पैन में मैंने राई का तेल ले लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छी तरह से पकने लगे और उसमें से धुआं निकलने लगे तो हम गैस का फ्लेम जो है बुझा देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए कि हमें गर्म तेल बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, वरना हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। जब तेल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब हम इसे मूली में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप चम्मच से ना मिला पाएँ तो आप हाथ की मदद से भी अच्छी तरह से मिला सकते हैं, और इसे दोबारा हम धूप में रख देंगे। तेल को हमने मूली में अच्छी तरह से मिला दिया है, और ये देखिए हमारी हरी मिर्ची जो है वो भी अच्छी तरह से सूख गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी मूली में मिला देंगे। तो मिर्ची को मिलाते वक्त हम चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे, वरना क्या होता है, हाथ की हथेलियों में जो है जलन होने लग जाएगी। और मिर्ची मिलाने के बाद हमको वापस से इसे धूप में रखना है, ताकि हमारा अचार जो है अच्छी तरह से कई दिनों तक चले और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रह जाए। अचार को और भी ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ खटाई। अगर आपके पास खटाई ना हो तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं, और दोनों चीज़ ना हो तो आप लीमू जो है वो ज़्यादा निचोड़िए, लीमू की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। इससे हमारा अचार ज़्यादा दिनों तक चलेगा और बहुत ही चटपटा बनेगा। मूली में हमने खटाई और तेल तो मिला दिया है, अब इसे और मज़ेदार बनाने के लिए अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मेथी, कलौंजी, ज़ीरा और सौंफ। इन सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। तो आप एक चम्मच की मदद से या तो फिर एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेके इसे लगातार चलाते जाइए, वरना मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। जब मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम एकदम सूखा हुआ जार लेंगे और उसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही बनाना है, और इसे हम इसमें अचार में मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार अचार तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।